हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नादरा की एक और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है नादरा ई सहूलत। आप इस लोगो को देख लीजिए, अगर आपने ये लोगो इससे पहले नहीं देखा तो समझ लीजिए ये नादरा ई सहूलत का लोगो है जो आप मुख्तलिफ मोबाइल शॉप्स पे भी देख सकते हैं, कम्युनिकेशन शॉप्स पे भी देख सकते हैं। ये एक फ्रेंचाइज है नादरा की तरफ से जो लोग ले लेते हैं। बहुत से बिजनेसमैन हैं जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं, लोगों की मोबाइल शॉप्स हैं, कंप्यूटर शॉप्स हैं, जिस पे लोगों ने ये नादरा का फ्रेंचाइज लिया हुआ है नादरा ई सहूलत के नाम से। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है नादरा ई सहूलत, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नादरा ई सहूलत एक ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए से आप बहुत से फ़वाद हासिल कर सकते हैं। वो फ़वाद क्या हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो फायदा इसका है वो है सिटीजन वेरिफिकेशन, यानी कि आप किसी के भी शनाख्ती कार्ड नंबर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप जाएंगे ई सहूलत काउंटर पे और वहां जाके आप किसी का भी शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं और उसकी एक मखसूस फीस है जो कि बहुत ही नॉमिनल सी है, वो आप पे करें तो आपको एक प्रिंट आउट दे दिया जाएगा जिसमें उस सिटीजन नंबर की यानी शनाख्ती कार्ड नंबर की मालूमात होगी कि वो किस नाम पे है शनाख्ती कार्ड, उसकी मालूमात होगी कि उसकी वल्दियत क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि वो नंबर जाली है या असली है। तो बाज़ दफ़ा जैसे कि होता है कोई ट्रांजेक्शन करनी होती है किसी को, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई मकान खरीद रहा है या और कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो आईडी कार्ड की कॉपी लोग देते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं नादरा ई सहूलत जाके। एक और फायदा यह है ई सहूलत का कि आप यहाँ पे जाके यूटिलिटी बिल जमा करा सकते हैं, बिजली गैस के पानी के वो बिल्स आप आसानी जमा करा सकते हैं। आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है बैंकों में, आप ई सहूलत में जाके बिल पे करें। एक और चीज़ ये है कि आप फीस पे कर सकते हैं। एक माहिदा हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का इस सहूलत से, जो भी स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वो अपनी फीस ई सहूलत काउंटर पे कर सकते हैं। डोनेशन भी कलेक्शन करता है ये ई सहूलत का जो सिलसिला है। आप जो भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स अनाउंस करती है, जैसे कि आजकल ये डैम का डोनेशन चल रहा है या और कोई ऐसी कोई डिजास्टर हो जाता है कंट्री के अंदर, तो उसकी जो फीस कलेक्शन है डोनेशन है वो भी इसमें आप जमा करा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा जो फायदा है वो है पाक आईडी के हवाले से। पाक आईडी जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम है नादरा का, आप आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं ऑनलाइन जाके, तो उसमें होता ही है कि आप क्रेडिट कार्ड से आपको फीस पे करनी होती है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो लोग जो है वो फीस अगर पे करना चाहें ऑनलाइन आईडी कार्ड की, तो वो भी ई सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। ई सहूलत की शॉप पे जाएं और वहां जाके अपनी ट्रैकिंग आईडी बता के जो एक जनरेट हो जाती है ऑनलाइन आईडी कार्ड बनाते वक्त, बस वो सिंपल वहां जाके बताएंगे और उसकी जो भी मतलूबा फीस है वो वहां पे मेंशन हो जाएगी, वो फीस वो बआसानी अपनी कैश की सूरत में जमा करा सकते हैं। अच्छा जी, मोबाइल स्क्रैच कार्ड्स भी इसमें अवेलेबल हैं। आपको अगर कोई आप लोड कराना चाह रहे हैं, आप अपने कार्ड में बैलेंस डलवाना चाह रहे हैं, मोबाइल में बैलेंस डलवाना चाह रहे हैं और आपको कहीं कोई मोबाइल शॉप नहीं मिल रही, तो आप ई सहूलत पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर बता के आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस सहूलत को। और आपको हर मोबाइल कंपनी की, चाहे वो कोई सा भी हो, जैज हो, टेलीनॉर हो, वारिद हो, आप उसकी स्क्रैच कार्ड पिन हासिल कर सकते हैं। तो ये चंद चीदा मैंने फवाइद आपको बताए इस सहूलत के, जो कि एक नादरा की वाकई एक सहूलत है, इससे आप भरपूर फायदा उठाइए। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया आपका।